हाय गाइस, अभी बजे हैं रात के 12। ठीक है, अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि ईद के बारे में अनाउंसमेंट हो जाएगी कि ईद कल मनाई जाएगी या नहीं। अभी न्यूज़ आई है कि कल ईद मनाई जाएगी पूरे कश्मीर में। आप सभी को ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। और मैं कोशिश करूँगा जो आज का पूरा दिन होगा ईद का वो मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, थोड़ी मतलब जो वीडियो होगा वो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने की। और फिर से आप सभी लोगों को ईद मुबारक। मिलते हैं आगे। हो चुके हैं रेडी ईद के लिए, ईद नमाज के लिए। कपड़े शपड़े पहन चुके हैं और सीधा जाएंगे हम ईद नमाज़ पढ़ने। लेकिन अभी आगे का सीन नहीं पता है, अभी कोई प्लानिंग नहीं करके है कि हमें आगे क्या करना है। मैं आपको आगे की जो अपडेट्स है वो देता रहूँगा। अभी मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ वेट अपने भाई का इस्लाम का, और इसके बाद जाएंगे हम सीधा नमाज़ पढ़ने और उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। चलो आ जाओ इस्लाम भाई। और आप, ये मेरा भाई है छोटा, आप इनसे पहली बार मिल रहे हो। इसका नाम है अरसलान। हाय तो बोलो। हेलो। ये अभी शर्मा रहा है क्योंकि अभी पहली बार व्लॉग में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे यूज़ तो हो जाएगा। अभी चलते हैं नमाज में और मिलते हैं आगे। अभी मैं आ चुका हूँ वापस घर नमाज़ पढ़ के। अभी फ़िलहाल घर में ही हूँ और उसके बाद देखेंगे कि क्या सीन होता है आगे का। फ़िलहाल पीऊँगा चाय क्योंकि भूख बहुत लगी है, और उसके बाद देखेंगे आगे का क्या प्लान बनेगा। फ्रेंड्स को भी कॉल करूँगा, उनको बुलाऊँगा और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या करेंगे आज पूरा दिन। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो से मैं जो भी कमेंट करेगा, जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं मुझे, जो मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा उसको मैं शाउट आउट दे दूंगा। अपनी जो वीडियो होगा उसमें उसको मैं शाउट आउट दे दूंगा। तो जो आज का शाउट आउट है, आज का शाउट आउट मैं देता हूँ उलसेट FF को। थैंक यू भाई, थैंक फॉर द कमेंट। तो अगर आप भी फीचर करना चाहते हो फ्यूचर के वीडियोज़ में, आप भी शाउट आउट पाना चाहते हो, तो अपना जो कमेंट है वो नीचे छोड़ दो। आप जो मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा वो मैं हर किसी वीडियो में, मतलब आगे वाले व्लॉग्स में फ़ीचर करूँगा। कमेंट डाउन बेलो। ठीक है, और अभी मैं आपको मिलता हूँ आगे और बोलूँगा कि आगे का क्या सीन रहेगा। मीनवाइल, ये देख रहे हो आज के दिन भी ये पबजी खेल रहे हैं। खेलने नहीं देगा क्या इनको? आज भी पबजी खेलनी है भाई। ईद के दिन कौन पबजी खेलता है? इधर देखो यार, हम खेलते हैं। हम ये नहीं खेलना चाहिए ना, ये ज़रूरी है, इसके बिना खाना हजम नहीं होता है। अभी मैं आया हूँ अपने फ्रेंड को मिलने, ओसामा। उसे तो आप जानते ही होंगे, अक्सर मेरे ब्लॉग्स में होता है वो। अभी वो यहाँ पे है। ओसामा भाई हाई बोलो। हेलो फ्रेंड, ईद मुबारक सबको। खैर मुबारक। अभी इसी ने कॉल किया और कहा कि आ जाओ मुझे मिलने, यहीं पे थोड़ा टाइम वेट करेंगे और फिर जाएंगे कहीं पे। अभी मैं उसके में इससे मिलने अभी जाएंगे इसके घर, वहाँ पे बैठेंगे थोड़ा टाइम, वहाँ पे गुजारेंगे और उसके बाद निकलेंगे हम बाहर। स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कुछ सीन दिखाने वाला हूँ ओसामा के घर से। हाँ, कि आप देख सकते हो क्या ही ओपी वाला सीन है यहाँ से। ओसामा भाई तेरे तो मज़े हैं, लेकिन यहीं पे तेरा HD TV है जैसा कि देख सकते हो आप सब, लेकिन सीन एकदम ओपी है, उसमें कोई शक नहीं है। सो गाइस, अभी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं घर में। मैं जस्ट अभी ओसामा के घर से वापस आया हूँ और अभी बस घर में ही बैठा हूँ। कोरोना की वजह से, जैसा कि आपको पता ही है, रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। अभी हम फिर भी ट्राई करेंगे, अभी थोड़ा मार्केट की तरफ जाएंगे और देखेंगे क्या हम खुद को एंटरटेन कर सकते हैं आज के दिन में, क्योंकि आज वैसे भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है उतना। लेकिन फिर भी हम अभी मार्केट की तरफ जाएंगे और वहीं पर देखेंगे कि कुछ मज़ा आता है कि नहीं, और मार्केट के हालात भी देखेंगे। और मुझे थोड़ा काम भी है वहाँ से, तो वहाँ से वो काम भी निपटा दूंगा मैं। आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। ये रहा अपना रैम्बो। चल भाई, निकाल अपने रैम्बो को।
few inches later. तो अभी आ गया मैं फिर से वापस घर, क्योंकि मार्केट सारा बंद है और सड़कों पे भी ज़्यादा लोग नहीं थे. ये एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि जो कोविड है उसकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस है तो लोग अभी ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है. सो अब मैं आ गया हूँ घर वापस. अभी टाइम आया है 10:30 बज गए अभी और मैं 12 बजने का वेट कर रहा हूँ. आप सोच रहे हो क्यों? वो इसलिए क्योंकि 12 बजे आज राधे रिलीज़ होने वाली है, सलमान खान की लेटेस्ट मूवी. आप बोल रहे होगे कि क्या यार ईद के दिन ये मूवी देख रहा है. अब फ़ैन है तो है, क्या ही कर सकते हैं. अभी बोर भी हो रहा हूँ तो 12 बजेंगे तो मैं मूवी देखना स्टार्ट करूँगा. Much later. Hey guys, अभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 3 बजे, ठीक है. और आप सोच रहे होंगे कि इतना लेट क्यों. फिर जो मूवी है राधे वो आ गई थी ZEEplex पे, तो फिर मैं उसी के साथ मस्त हो गया था. सो कैसी लगी मुझे मूवी? ऑनेस्टली कहूँ तो उतनी अच्छी नहीं थी जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था. जितना मुझे एक्सपेक्टेशंस थी उतना तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक मूवी है, काम चल जाएगा. सो अभी मैं आ गया हूँ यहीं पे. हमारी एक जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे थोड़ा आगे, यहाँ से हमारा ग्राउंड भी है और यहाँ से जो CITH का एरिया है यहाँ से वो एरिया भी आता है. सो अभी मैंने फ्रेंड को कॉल किया और बोला चलो जाते हैं वहाँ पे, बैठते हैं थोड़ी देर. और अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या सीन है. आप कह सकते हो कि OP वाला सीन, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के. सो स्टे ट्यून्ड. सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ OP वाला सीन. ये आप लोग देख सकते हो, बेहद ही शानदार. और ये रहा हमारा रैम्बो. हम यहीं पे घर के पास ही मनाते हैं. आप लोग देखो हम कहाँ पे ईद मनाते हैं. अगर आपको भी ये OP वाला सीन लगे यहाँ से तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बोलेगा कि आपको ये वाली जगह कैसी लगी. और गाइस आपको कोई आवाज़ आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो ध्यान से सुनो. सुनाई दिया? ये यहाँ से जो मधुमक्खियाँ हैं हनी बीज, वही है यहाँ से घूम रही है यहाँ से. और आप देख सकते हो कि ये लोग कितना शोर कर रही है, लेकिन सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा. ये जो सड़क है ये CITH की सड़क है. यहाँ से हमारा जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है वो यहीं से है. सो ये जो सड़क है आप देख सकते हो, ये वाली, ये उसी की सड़क है एज़ यू कैन सी. अगर हमें कभी भी चिल आउट करना होता है तो हम इसी जगह पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुकून है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा है. Later. रास्ते में एक जगह आ गई. हम पहले यहाँ आते थे अगर अपना मूड ठीक करना होता था या थोड़ा चिल करना था तो हम यहाँ पे अक्सर आया करते थे, ठीक है. अभी हम यहाँ पे फिर से आए हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से.
जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे लोग भी काफ़ी ज़्यादा है आज, अभी सभी खाली बैठे हैं, तो इस टाइम पे यहाँ पे लोग आते रहते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में लिखना कि आपको ये जगह कैसी लगी। सो गाइज, अभी हम चल ही रहे थे और यहाँ पे हमें एक और सब्सक्राइबर मिल गया हमारा, इसने हमें पहचान लिया तो सोचा कि इसको भी अपने वीडियो में लाते हैं। सो भाई कैसे हो? बहुत मज़े में। अच्छा, यहीं पे रहते हो? हाँ। चलो ठीक है, बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। चलो वीडियो देख के रहना, ठीक है? हाँ, चलो चलो। गाइज, ये था आज के दिन का व्लॉग, ईद के पहले दिन का व्लॉग, और ईद के दूसरे दिन का व्लॉग कल आएगा इंशाल्लाह इसी टाइम पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को दीजिए बड़ा सा थम्स अप और इस वीडियो को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी चैनल को ज्वाइन कर सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही मस्त व्लॉग्स लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।